सरोकार। उन्हीं का सोनभद्र दौरा, 56 परियोजनाओं का सीएम ने किया लोकार्पण। जर्मनी से कानपुर आई टीम ने परमट घाट का किया जायजा। रामपुर में भाजपा कार्यालय पर हलचल तेज, उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी का नाम घोषित। कासगंज में स्वास्थ्य विभाग ने की बड़ी लापरवाही, अवैध प्रसव केंद्रों पर कसा शिकंजा। बिजनौर में डीएम ने हेल्थ एटीएम का किया उद्घाटन, हेल्थ एटीएम मशीन से समय की होगी बचत। नमस्कार, मैं उषा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ आज सोनभद्र दौरे पर हैं। सीएम योगी बभनी के सेवा कुंज आश्रम में आयोजित जनजाति गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों की 56 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, वहीं 177 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। कानपुर में जर्मनी से आई टीम पहुंची, जहां जल प्रबंधन, संसाधन संरक्षण और जलवायु परिवर्तन अनुकूल विभाग की प्रमुख डॉक्टर रेजीना दुबे शहर में आई हैं। आपको बता दें कि सर्वोत्तम प्रथाओं को देखने के लिए ये टीम कानपुर का दौरा करने आई है। टीम ने परमट घाट पहुंचकर गंगा में गिर रहे नालों का जायजा भी लिया, साथ ही नदी में कचरे के प्रवेश को रोकने की प्रणाली की जानकारी भी दी। जर्मनी टीम नगर निगम के अधिकारियों के साथ सीओडी नाले का भी दौरा किया। जर्मनी से डॉक्टर रजीना दुबे मैम डायरेक्टर जनरल और वहां के वाटर मिनिस्ट्री में है, और उनका जो जीआईएसएस टीम है हम लोगों को यहां पे टेक्निकल सपोर्ट करती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में और आईसी एक्टिविटी में। इसमें पूरे देश में 3 शहरों को चयनित किया गया था, जिसमें कानपुर, पोर्ट ब्लेयर और कोची था, और उसी एक्टिविटीज़ को ये लोग रिव्यू करने, अपने जीआईएसएस का टीम का काम को रिव्यू करने आए हैं। और इसी क्रम में यहाँ पे परमट घाट को उन्होंने जो प्लॉगिंग का काम हो रहा है उसको भी उन्होंने देखा। अब कहाँ जाएंगे? अब इनका एक यहाँ पे हमें MRF प्लांट इनके टेक्निकल हेल्प की वजह से सेटअप हुआ है, उसको देखने वो जोन लगाएंगे, तो वहाँ पे कार्यक्रम। लंबे इंतजार के बाद कानपुर आउटर को कमिश्नरेट में विलय कर दिया गया है। शासन ने जो आदेश जारी किया है उसमें आउटर की अवधारणा पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। वहीं कमिश्नरेट में अब ग्रामीण जैसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि जिले के 4 जोन में बांट दिया गया है। मध्य जोन को छोड़कर अन्य 3 जोन में शहर के 7 ग्रामीण क्षेत्रों को समाहित किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 4 नवंबर को निर्गत आयुक्त प्रणाली के पुनर्गठन के संबंध में निर्गत जो नोटिफिकेशन है, और तदुपरांत दिनांक 14/11 को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा जो आयुक्त प्रणाली के पुनर्गठित संरचना के अनुमोदन के क्रम में जो पुनर्गठित संरचना है कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की, उसको आज से लागू किया जा रहा है। इस पुनर्गठित संरचना में जहां पहले कानपुर कमिश्नरेट में 11 ACPs के सर्कल थे, 3 जोन्स थे, अब पुनर्गठित संरचना में ये 4 जोन्स तथा 14 ACP के सर्कल्स बनाए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल जुड़ रहे हैं। अनिल, पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आ रहा है, कानपुर आउटर को कमिश्नरेट में विलय कर दिया गया है, क्या कुछ कहना है इस पर? मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने भी आउटर क्षेत्र थे सबको कमिश्नरेट में रख कर दिया था। इसी बाद अब जो पेपर के तौर पे अभी वो रियलिटी हो गई है कि हाँ, जितने भी थाने थे, सब जितने भी आउटर के थाने थे, उसको कानपुर कमिश्नरेट में कर दिया गया। ये बता दूं कि लगभग पहले 38 थाने थे, लेकिन जब ये कमिश्नरेट में जो आउटर क्षेत्र है जब कानपुर में कानपुर कमिश्नरेट में दे दिया गया है, तो कुल कानपुर में
49 थाने हो गए हैं। और बता दूं कि प्रदेश का सबसे बड़ा दूसरा कमिश्नर क्षेत्र होगा। इसके अलावा 3 महिला थाने भी हैं, लेकिन अभी शासन के आदेश के अनुसार अभी उन थानों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। और ये बता दूं कि जितने पहले 11 ACP सर्कल हुआ करता था, लेकिन जब कमिश्नर को आउटर जब कमिश्नर में लागू कर दिया गया है तो उसको मिला के लगभग 14 कमिश्नर हो गए। हालांकि कमिश्नर लागू होने के बाद कानपुर में कितने क्राइम पे कंट्रोल होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का ये अच्छा कदम है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल। रामपुर में विधानसभा चुनाव आयोग ने चुनावों की तिथियों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया से लेकर नाम वापसी तक की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अब इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना को उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित करने के बाद स्थानीय भाजपा कार्यालय में हलचल तेज कर दी गई है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करते हुए मुझे दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी बनाया है। और रामपुर में इस बार पार्टी के नेतृत्व में हम लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर रामपुर विधानसभा और खतौली विधानसभा, इनके उपचुनाव की प्रत्याशियों की घोषणा की है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर हम लोग इन दोनों विधानसभा जो पश्चिम क्षेत्र में आते हैं, इन दोनों विधानसभा चुनाव में एक बड़े जीत के साथ हम लोग चुनाव जीतने वाले हैं। बिजनौर में जन संबंधी सुविधाओं का लाभ देने के लिए तकनीकी के माध्यम से बेहतर ट्रीटमेंट प्रदान करने के लिए हेल्थ ATM का DM ने उद्घाटन किया है। लोगों को इस मशीन के जरिए कम समय में बॉडी के सारे टेस्ट मिल सकेंगे। आपको बता दें कि हेल्थ ATM के जरिए ब्लड प्रेशर, सुगर, टेम्परेचर, हीमोग्लोबिन, बॉडी ऑक्सीजन लेवल सहित कई अन्य टेस्ट किए जाएंगे। जन सामान्य को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को सहज करने के लिए, सरल करने के लिए तकनीक के माध्यम से बेहतर ट्रीटमेंट प्रदान करने के लिए इस मशीन को यहाँ लगाया गया है। और हमारा प्रयास होगा कि लोगों को जल्दी से सारे टेस्ट मिल जाएं, उनकी चेकिंग हो जाए, जिससे उनका बेहतर इलाज हो सके। बिजनौर जनपद में कितनी मशीन है या ये पहली मशीन? अभी आज ये तो पहली है। नजीबाबाद में भी हम एक लगा रहे हैं, वो भी आ गई है, उसको भी एक दो दिन में हम ऑपरेशनल कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, उनकी प्रेरणा है कि हर CSC पे हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ ये सुविधा हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। रायबरेली में आबकारी विभाग ने लाखों की शराब को आबकारी विभाग के दफ्तर के पास ही गड्ढे में खुदवा दिया। अधिकारियों की मौजूदगी में नष्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि शराब की एक गाड़ी लखनऊ से प्रयागराज के लिए जा रही थी, जो रास्ते में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बड़ी संख्या में शराब की पेटियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उन्हीं बोतलों को आबकारी अधिकारी ने अपनी निगरानी में नष्ट कराया है। गाड़ी चली थी लखनऊ से प्रयागराज के लिए, वो बीच में एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मदिरा क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें जो सुरक्षित पेटियां थी उनको प्रयागराज भेज दिया गया है, और जिनके QR कोड जिनके स्कैन नहीं हो पा रहे थे उनको नष्ट कराया गया। कितनी कीमत रही होगी? लगभग 2 लाख रुपए कीमत थी। गाजियाबाद के खोड़ा प्रेम बिहार में सरकारी जमीन को नगरपालिका खाली कराने पहुंची, तो वहीं अवैध अतिक्रमण पर काबिज 2 महिलाओं ने मकान में अपने आप को बंद कर कमरे में आग लगा ली। साथ ही अतिक्रमण हटाने पर आत्मदाह करने की धमकी भी दी है। नगरपालिका खोड़ा के द्वारा अभियान चलाया गया है 7 बीघे सरकारी तालाब की जमीन थी, जिसमें अवैध अतिक्रमण था, उसको हटवाया जाना था। तो आज की कार्रवाई में कुछ पोर्शन हटा दिया गया है, बाकी बचे हुए पोर्शन को अग्रिम कार्रवाई में हटा। रायबरेली जिले में आतंकी बने भीम आर्मी गैंग के कई दबंगों ने गांव में घुसकर तांडव मचाया। आपको बता दें कि 2 पक्षों के मध्य हुए आपसी विवाद के बीच भीम आर्मी गैंग के सदस्यों ने खूब आतंक मचाया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए,
जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं मामले में दलितों की पिटाई को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया था, जिसको संज्ञान में लेकर हरकत में आए आईजी लक्ष्मी सिंह ने कार्रवाई करने की बात कही है। सभी पक्षों से बातचीत की गई है, जो पीड़ित पक्ष है उसको भी बुला के बातचीत की गई है, उससे पूरी घटना की जानकारी ली गई है। ट्रैक्टर को ओवरटेक करने को लेकर विवाद हुआ, जिसके पश्चात इस पक्ष के द्वारा, जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा, अपने लोगों को इकट्ठा करके दूसरे पक्ष के गांव पर समझौता कराने, समाधान कराने की नीयत से 8-10 लड़के गए। रायबरेली में रामपुर मजरे खड़गपुर में शोहदे से परेशान बच्ची ने जहरीला पदार्थ खा लिया। 2 साल से शोहदे बच्ची को लगातार परेशान कर रहा था, जिसे तंग आकर बच्ची ने जहर खा लिया। आपको बता दें कि परिजनों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया है, उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं परिजन जब थाने में शिकायत कराने पहुंचे तो दबंगों ने पीड़ित के परिजन को जान से मारने की धमकी भी दी है। क्या हुआ, ये करीब 2-3 साल से एक शुभम यादव नाम का लड़का है, वो दबंग किस्म का है, तो वो आए दिन इसको स्कूल जाते समय राह में कहीं परेशान किया करता था। तो ये बताती थी, लेकिन हम लोगों की हैसियत इतनी दयनीय थी कि हम इससे मान लड़ाई झगड़ा कर सके। थाने में एप्लीकेशन दिया गया, थाने वालों ने सुलह करा दिया, ना और उसके बाद फिर 2-3 महीने पहले फिर एप्लीकेशन दिया, तो वहाँ फिर उसने लिख के दिया कि हम दोबारा ऐसा कोई हरकत नहीं करेंगे। प्रयागराज में रिश्तों का खून कर देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ कोंधियारा थाना क्षेत्र के मजीगवा गांव में पति ने अपनी पत्नी को मौत के घात उतार दिया। आपको बता दें कि पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी को धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी और इसके बाद फरार हो गया। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये घटना जो है अभी अभी हमको मालूम हुआ कि किसी धारदार हथियार से जो है मार दिया गया है, और अभी तक तो ये मालूम था कि मृत नहीं है, लेकिन आने पर पता चला कि मृत्यु हो गई है। अब इसको जो है फोर्स आई है, जो भी होगा उचित निर्णय उसका बताएगी। कौन सा गांव है ये? मजगवा। अपना परिचय बता दीजिए। मैं प्रधान निर्भय नयन सिंह, ग्राम पंचायत मजगवा, पोस्ट अकोड़ा, करछना, इलाहाबाद। आज सुबह मजगवा गांव में पाल बस्ती में एक पति ने अपनी पत्नी को धारदार हथियार से मार दिया, जिससे तत्काल उसकी मौत हो गई है, और पुलिस प्रशासन कोंधियारा आई हुई थी और जाँच में जुटी हुई है प्रशासन। देखिए क्या निर्णय लेती है। अभी तक चूँकि अभी बताया जा रहा है जो अपराधी है वो अभी फरार हुआ है, अभी तक प्रशासन कार्रवाई कर रही है, देखिए क्या निर्णय निकलता है। कासगंज में गंज डुंडवारा कस्बे में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध प्रसव केंद्र और हॉस्पिटलों पर प्रशासन ने शक्ति दिखाई है। स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रशासन ने 2 हॉस्पिटल सहित घरों में चल रहे अवैध प्रसव केंद्रों को सीज कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद अवैध हॉस्पिटल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। आज सूचना मिलने पर डॉक्टर साहब MOIC और मैं और डॉक्टर कुलदीप डिप्टी CMO तीनों मिलकर हमारी टीम ने जो है 4 अवैध प्रसव केंद्रों पर छापेमारी की है, और चारों जगह पाया गया है कि वहाँ जो इंस्ट्रूमेंट थे अवैध प्रसव के वो सभी मिले हैं, और रजिस्ट्रेशन भी नहीं है उनका, और डॉक्टर वहाँ मिले नहीं हैं, अनुपस्थित थे। बाकी जो स्टाफ था उनके माध्यम से उनको आगामी 24 घंटे में नोटिस के माध्यम से उनसे जवाब लिया जा रहा है और आगे की जो भी कार्रवाई होगी। में इस चक्कर में हड़कंप मचा हुआ है।
प्रशासन ने दो हॉस्पिटलों सहित घर में चल रहे अवैध प्रसव को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। कासगंज में गंजडुडरा कस्बे में बड़े पैमाने पर चल रहा है ये। अवैध प्रसव केंद्र और हॉस्पिटलों पर प्रशासन ने शक्ति दिखाई है। स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रशासन ने दो हॉस्पिटलों सहित घरों में चल रहे अवैध प्रसव केंद्रों को सीज कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद अवैध हॉस्पिटल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। केंद्रों को सीज कर दिया है, आपको बता रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद अवैध हॉस्पिटल संचालकों में हड़कंप भी मचा हुआ है। आपके बच्चे अगर घर से पढ़ने के लिए स्कूल निकले हैं तो उनको लेकर जरा सावधान हो जाइए। एक ऐसा मामला सामने आया है जहां फरीदाबाद में महिला आयोग की चेयरपर्सन की शिकायत पर पुलिस ने एक ओयो होटल में छापेमारी की। आपको बता दें कि होटल से दो स्कूली बच्चों को हिरासत में लिया गया है। ये स्कूली बच्चे ओयो होटल में कमरा लेने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस ने ओयो होटल संचालक समेत दोनों बच्चों को हिरासत में ले लिया है और जाँच की बात कह रही है। देखिए, आज सुबह महिला राज्य आयोग की मैडम जो कि रेणु भाटिया जी का कॉल आया था मेरे पास पर्सनली कि ऐसे एक ओयो में स्कूल की लड़की है जो कि यूनिफॉर्म में ही है और एक लड़का है जो कि सिविल कपड़ों में, उसको लेकर गया है और ओयो होटल मतलब मैनेजर जो है, मालिक जो है, उनको एंट्री भी दे रहा है। तो ये बहुत गलत है। दोनों जबकि हमने दोनों बच्चों को वहाँ से लिया, अपने कब्जे में लिया, उन दोनों बच्चों से पूछताछ की तो दोनों दोस्त हैं और स्कूल बंक उन्होंने किया हुआ है, उनसे गलती तो हुई है। लेकिन लड़की ने बताया कि मैं अपने घर से ही इस लड़के के साथ आई हूँ, तो मेरी मम्मी को पता है लेकिन ये नहीं पता कि मैं ओयो में हूँ। अगर घर से पढ़ने के लिए स्कूल निकले हैं तो उनको लेकर जरा सावधान हो जाइए। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहाँ फरीदाबाद में महिला आयोग की चेयरपर्सन की शिकायत पर पुलिस ने एक ओयो होटल में छापेमारी की। आपको बता दें कि होटल से दो स्कूली बच्चों को हिरासत में लिया गया है। ये स्कूली बच्चे ओयो होटल में कमरा लेने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस ने ओयो होटल संचालक समेत दोनों बच्चों को हिरासत में ले लिया है और जांच की बात कह रही है। ये एक बड़ी लापरवाही होटल की सामने आ रही है, आपको बता रहे हैं। ओयो होटल संचालक समेत दोनों बच्चों को हिरासत में ले लिया गया है और जाँच की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस ने ओयो होटल संचालक समेत दोनों बच्चों को गिरफ्तार कर लिया है। चंदौली में सैयद राजा थाना क्षेत्र के प्रीतमपुर गांव में अराजक तत्वों ने भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही वहां खड़ी बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि नर्तकियों के नाच गाने का विरोध करने के कारण अराजक तत्वों ने शराब के नशे में प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया था। आपको बता दें कि फूकी गई बाइक की पहचान नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर ग्रामीण प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। आज रात की थाना शहीद राजा में गांव प्रीतमपुर में कुछ युवकों द्वारा जन्मदिन की पार्टी मनाई जा रही थी, जिसमें एक युवक की आपस में कासुनी हुई और जिसमें आपस में झगड़ा किए। झगड़ा करने के बाद में मोटरसाइकिल में आग लगा दी और जाते वक्त
उन्होंने जो मूर्ति थी वहाँ पर मूर्ति पर एक ईंट मारी जिससे मूर्ति कुछ खंडित हो गई और मूर्ति को बाजार से मंगवा करके लगवाया जा रहा है। और ये शरारती तत्वों को हमने 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है। बुलंदशहर में पीड़ित देवर ने परिवार के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि वह जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसकी भाभी उस पर कई बार झूठे मुकदमे में उसे फंसा चुकी है और मारपिटाई भी करवा देती है, जिसको लेकर वह परेशान है। पीड़ित ने शिकायत की मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी ने मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मैं आया हूं कि 4 साल से मेरे छोटे भाई की घरवाली ने मेरे ऊपर झूठे केस लगा रखे हैं। दोनों मियां बीबी का कोई भी झगड़ा है वो उनके ऊपर तक है, लेकिन मेरा कोई भी मामला नहीं है कहीं तक भी। मुझे हर मामले में घसीटा जा रहा है, फंसाया जा रहा है, सारे झूठे मामले हैं। और इसमें मैं आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, मुझे हर मामले में जो है कई केस लगा रखे हैं उसने मेरे ऊपर, मारपीट के, घर में कूदने के, कोई भी गलत इसके सारे लगा रखे हैं। और मैं तारीख को पाता हूँ ये टॉर्चर करा जाता है, मेरे झूठे मुकदमों में मुझे फंसा रखा है। आज आप अधिकारियों से मिले हैं तो शहर में बिन बरसात के ही पानी भर गया। आपको बता दें कि धरपा अंडरपास में आसपास नालों का पानी भरने से गांवों वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब सदर विधायक निरीक्षण करने पहुंचे तो पानी में घुसकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पानी में अंदर घुसे सदर विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर में जिलाधिकारी ने प्राइमरी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने इस दौरान अध्यापकों के समय से विद्यालय आने, बच्चों को दी जा रही शिक्षा, मिड डे मील भोजन की गुणवत्ता, कराए गए कार्यों, साफ सफाई आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विद्यालय में प्रधानाचार्य सहित 3 अध्यापक उपस्थित मिले, जिसके बाद डीएम ने कहा कि प्रधानाचार्य और ग्राम प्रधान को निर्देश देते हुए विद्यालय और उसके आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूलों में, अपर प्राइमरी स्कूलों में काफ़ी इनोवेशंस हो रहे हैं और अध्यापक लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उसी का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए मैंने अपर प्राइमरी स्कूल कीरतपुर धमेड़ा का निरीक्षण किया और यहाँ ये जान करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो बच्चों को सिखाया जा रहा है, बच्चे न केवल व्यवहारिक ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, थ्योरेटिकल ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, बल्कि उनको सब्जेक्ट की जानकारी भी है। मैंने अभी अध्यापकों से अनुरोध भी किया, जैसे संस्कृत की पढ़ाई हो रही थी उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में पढ़ाया जा रहा था, मैंने उनको बताया कि पहले उनके जीवन परिचय के बारे में सभी छात्रों को बताएं और जब विषय की पृष्ठभूमि बना देंगे उसके बाद जो उसके कंटेंट है छात्रों को और समझ में आएगा। और बड़ा अच्छा लगा, यहाँ प्रधान जी ने भी काफ़ी अच्छा काम किया और ऑपरेशन कायाकल्प के जितने भी पैरामीटर हैं वो सब यहाँ पूरे किए गए हैं। अलीगढ़ में थाना कोतवाली क्षेत्र के भजपुरा चौराहे पर चोरों ने एक मोबाइल दुकान में घुसकर मोबाइल, टैबलेट, ईयरफोन और ब्लूटूथ सामान पार कर लिया। आपको बता दें कि लगभग 2 लाख की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उसके बाद हमने सुबह उठकर देखा, हमारे एक जो ऊपर गार्डर पत्थर लगे हैं, एक पट्टिया निकालकर कुछ अज्ञात लोगों ने चोरी की, कुछ पता नहीं काफी माल चला गया उसमें। आपके अंदाजे से कितने के लाख की चोरी है? 1 लाख से ऊपर है तकरीबन। 1 लाख से ऊपर तकरीबन। कितने मोबाइल सेट होंगे? 60-70 फोन की पैड के उसमें, एक मेरा टैबलेट है इससे फाइनेंस करता हूँ, बाकी तकरीबन 30-35 ब्लूटूथ और स्पीकर हैं। प्राइम उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।